तक बहुत बड़ा अपडेट वोट काउंट को लेके पहुंचाना चाहेंगे। बारामूला में अभी भी इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा वोट से, इतना मार्जिन है। और आपको बताना चाहेंगे अभी तक उनको 1,07,000 से ज्यादा वोट्स मिले हैं। उसके बाद सेकंड पे उमर अब्दुल्ला आते हैं और तीसरे नंबर पर सज्जाद गनी लोन। अनंतनाग की बात करें तो वहां मियां अल्ताफ जो है वो लीड कर रहे हैं और अभी तक उनको 2,00,000 से ज्यादा वोट्स भी जो है वो पड़े हैं। दूसरे नंबर पर वहां महबूबा मुफ्ती है। और अगर हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, 1,00,000 से ज्यादा वोट्स जो है वो आगरहुल्ला मेहदी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उनको पड़े हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा मार्जिन से अभी वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त इंजीनियर रशीद के बेटे हमारे साथ मौजूद है। हम बार बार जो है आपसे मिलने आते हैं और आपसे सवाल भी पूछते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जिस तरीके से वोट काउंट अभी भी चल रहा है, मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है, वोट काउंट जो इंजीनियर रशीद का है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको कभी एग्जाम को लेके, एग्जाम के जब रिजल्ट होता है तब ज्यादा टेंशन थी कि आज ज्यादा टेंशन हो रही है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि आज काउंटिंग जो है वो हो रही है, तो इस सिलसिले में जो आपने खुद देखा, आपने खुद बताया कि लगभग 50,000 से ज़्यादा अभी लीड है। और इस सिलसिले में जो है लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनने जो रैली में जो सपोर्ट दिखाया था, जोश और जज्बा दिखाया था, आज उनने शायद उसको सच में जो है वोट में कन्वर्ट किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी जो लीड अभी है, इंशाल्लाह ये आगे और बढ़ेगी। और आज जो लोगों ने जो वोट डाले थे वो इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब के हक में डाले थे। साहब, आपने कैंपेनिंग की, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, लोग जो है आगे आए, सामने आए, और आपका जो है कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है कैंपेनिंग में। और ये बहुत ऐसा रेयरली होता है जब सिर्फ लीडर को देखे, लीडर की कैंपेनिंग को देखे लोग जुटते जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अंदर भी एक डर और वहम था कि क्या ये वोट कास्ट होंगे जो आपके साथ कैंपेनिंग में जुट रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब मैं पहले निकला था घर से, पहले दो दिन शायद इतने लोग मुझसे नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर जैसे ही हमने जो है एक मोमेंटम पकड़ा तो लोग खुद जो है घरों से निकले और हमारी रैलीज में उनने ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं जो है कहीं ये भी अफवाहें थी कि शायद ये नॉन वोटर है, शायद ये अंडर एज है, शायद इनके जो है अभी वोट नहीं है। तो इस सिलसिले में जो आज शायद लोग एक सबूत दे रहे हैं कि वो शायद नॉन वोटर नहीं थे, वो एक वोट जो है डालने वाले बंदे थे। और आज जो अभी जो लीड जो है 50,000 की लीड जो अभी है, उससे ये साबित होता है कि वो जो लोग थे उनका जो जोश था, उनका जो जज्बा था, उनने आज उसको सच में जो है वोट में कन्वर्ट किया। चलिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 50,000 से अभी तो इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, क्या इस पे चेंजेस आ सकती है? अभी भी ये नहीं बताया जा सकता है क्या इंजीनियर रशीद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि अभी वोट की जो काउंटिंग है वो हो ही रही है, बस अभी इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं। जब तक ये सारे वोट्स काउंट नहीं होंगे तब तक ये बताना मुश्किल है कि इंजीनियर रशीद जीत रहे हैं या कोई और कैंडिडेट जीत रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक जो इंजीनियर रशीद हैं उन्होंने अपना 2019 का जो रिकॉर्ड था, 1,02,000 उनको वोट्स मिले थे, अभी 1,06,000 से अब वो जा चुके हैं इस इलेक्शन में, तो क्या कहना चाहेंगे, लगता है आपको आपकी कैंपेनिंग का असर पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए कैंपेनिंग का असर ज़रूर पड़ा है और ये आया है कि आप खुद देख रहे हैं, 1,02,000 हमने 2019 में लिए थे और आज हमने 1,06,000 हमने जो है वो पार किया है। तो ये मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं लोगों का जितना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ वो बहुत कम है, अगर मेरी 7 पीढ़ियाँ भी जो है उनका ये हक अदा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह देखिए हार जीत अलग बात है, मैं जीतूँ हारूँ, इंजीनियर रशीद साहब जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन आज जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, हर जगह पर मालाएँ डाली, जो खुद वॉलंटियर थे, कहीं पर पानी रखा था, कहीं शरबत रखा था, कहीं पे जूस रखा था, तो उनका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। देखिए हार जीत मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली लोगों की, जो दुआएं मिली माओं की, बुजुर्गों की, वो मेरे लिए इस जीत से जो है वो काफ़ी बढ़ के, अगर मैं आज इलेक्शन हार भी जाता हूं, इंजीनियर रशीद साहब इलेक्शन हार भी जाते, लेकिन फिर भी जो प्यार मुझे मिला, जो मोहब्बत मुझे मिली, शायद अगर उमर अब्दुल्ला साहब, सज्जाद साहब करोड़ों रुपये खर्च करे, शायद वो ज़िंदगी में कभी इतना प्यार वो नहीं ले सकते। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर कही है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब या सज्जाद गनी लोन जो है करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो शायद उनको ये प्यार नहीं मिल सकता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला शायद आपके ब्रदर से भी मिले थे, उनसे भी मुलाकात हुई, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या ये जो कॉन्टेस्ट है उसको लेके उन्होंने कुछ कहा? जी बिल्कुल, वो एक वायरल क्लिप हुई थी, मेरा छोटा भाई असरार उनसे मिला था, तो उनने बस कैजुअली एक सवाल पूछा था कि हालचाल पूछा था और ये कहा था कि कैंपेनिंग कैसी चल रही है, तो मेरे भाई ने भी उनको एक दो टोक जवाब में ये कहा था कि वो आप खुद देख रहे हैं कि कैंपेनिंग कैसी चल रही है, तो बस इतनी मुलाकात हुई थी। और ये इसमें
कोई पॉलिटिक्स नहीं था, वो बस अचानक से एक वो को इंसिडेंटली वो एक मुलाकात हुई थी, तो बाकी उसमें कोई खास नहीं था। चलिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जब उमर अब्दुल्ला इनके ब्रदर से मिले तो इनसे जो है उन्होंने हम कलाम भी हुए, बात भी की और उनसे ये पूछा कि उनकी कैंपेनिंग भी कैसे चल रही है। ये एक बड़ापन होता है एक पोलिटिकल लीडर का, जो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो और उसके बाद जो है हाल चाल भी पूछे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों का भी सवाल है, और जो तीन कैंडिडेट्स सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला है या इंजीनियर रशीद है, आपने क्या लग रहा है किसके वोट्स काटे? आपने सजाद गनी लोन के वोट्स काटे हैं कि आपने जो हमला है वो उमर अब्दुल्ला के वोट्स पर किया है? जी देखिए, अभी शायद कहना मुश्किल होगा कि किसने किसके वोट कटे या किसके नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज लोगों ने वोट डाला है वो हक के लिए वोट डाला है और सच्चाई के लिए वोट डाला है। शायद आज किसी के वोट कटे नहीं है, आज वोट अगर पड़े वो हक पे पड़े और सच्चाई पे पड़े, हक पे और सच्चाई पे पड़े। अच्छा, आपने कैंपेनिंग की, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई, लोग आपके साथ जुड़ते गए, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, अलग अलग रैलीज जो है वो निकली अलग अलग इलाकों से। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, अब लोगों ने वोट किया है, लोगों ने आपको वोट करके अपना सपोर्ट दिखाया है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि अभी जो है बहुत जल्दी होगा ये डिसीजन लेना कि शायद इंजीनियर रशीद जीत सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, 50,000 वोट से वो अभी लीड कर रहे हैं, 1,06,000 से ज्यादा वोट्स अभी तक उनको पड़े हैं, दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला है और तीसरे नंबर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो प्यार मोहब्बत आपको मिली है, क्या आपका मन जो है उससे भर गया है? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरे लिए अभी हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो यही चीज़ करती है कि जो लोगों के दौरान जो मुझे प्यार मिला, लोगों का जो दुआएं मिली, जो इज्जत मिली, वो मेरे लिए शायद अगर आज मैं जीत भी जाता हूँ इलेक्शन, तो फिर भी वो जो मोहब्बत मिला वो शायद उस जीत से बड़ी होगी। प्यार मोहब्बत आपको बहुत मिली। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज भी आज आप अगर हमारा कमेंट सेक्शन देखेंगे, हमने जब आपका इंटरव्यू किया या बाकी जगह हम लोग कवरेज करने गए, वहां लोग कह रहे थे कि अगर हमारा जो वोट है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता तो हम इंजीनियर रशीद को वोट डालते। कुछ लोगों ने कहा कि ये सेंटिमेंटल वोट्स है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सिंपथी वोट्स है। आपको क्या लग रहा है, क्या सेंटिमेंट्स और सिंपथी का कोई लेना देना था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इंजीनियर रशीद की बात होती है? जी देखिए, सिंपथी सेंटिमेंट वो लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन किसने किस लिए वोट डाला है। देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला साहब का जो एक कन्विक्शन, उनका एक मैनिफेस्टो इतना स्ट्रांग होता तो वो ओवर पावर करते मेरे सिंपथी को। शायद उनका मैनिफेस्टो, उनका जो मंशूर था, उनका काम जो था वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो मेरे सिंपथी को या मेरे जो एक सेंटिमेंट था उसको ओवर पावर कर सके। अगर सजाद साहब का ये उतना मजबूत मंशूर होता कि वो एक सेंटिमेंट को, एक सिंपथी को ओवर पावर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर साबित हुआ कि शायद आज इंजीनियर रशीद का जो लोगों के लिए काम था, गरीबों के लिए काम था, वही जो ज़्यादा था उससे बढ़कर कि जो उमर अब्दुल्ला साहब का मैनिफेस्टो था या फिर सजाद साहब का मैनिफेस्टो था। तो लिहाजा अब लोगों ने, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आज लोगों ने हक के लिए वोट डाला है और सच्चाई के लिए वोट डाला है, और जो मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए कि लोगों ने आज एक सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर जो है आज वोट डाला है, कटिंग अक्रॉस द पोलिटिकल लाइन्स आज उनने वोट डाला है। और मैंने आपको बार बार ये कहा कि हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती है, जो प्यार मिला, जो इज्जत मिली, जो मोहब्बत मिली, वो जीत से भी बहुत ज्यादा बढ़िया। अच्छा अबरार साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात तो बताना चाहूंगी, शायद कमेंट सेक्शन में भी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ये सोच रहे होंगे, पहले जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने जो है पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात नहीं की, पॉलिटिकल सिनेरियो पे आपने बात, आज अब खुल के बेबाकी के साथ ये कहते हैं कि शायद जो सजाद गनी लोन है, उमर अब्दुल्ला है, उनका मैनिफेस्टो स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से जो है लोग जो है वो आपको वोट कर रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं इंजीनियर रशीद जीत गए, मान लेते हैं, बिकॉज अभी हम श्योर नहीं है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अभी बस वो 50,000 का मार्जिन है, इस वजह से लीडिंग है, तो आपको लगता है इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आएंगे तो लोगों का काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने 11 साल अपने आप को प्रूव किया हुआ है, उन्होंने असेंबली के अंदर बात की, असेंबली के बाहर बात की, चाहे लंगेट में, चाहे लोलाब में, चाहे लाल चौक में, चाहे दिल्ली में, उन्होंने हमेशा जो है एक ही जुबान में बात की। उन्होंने कोई जो है अपनी जो है बयान में, जो उनके कॉल और फैल में कोई तजाद नहीं था कभी, उन्होंने हमेशा जो है लोगों की बात की, और इंशाल्लाह जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो बिल्कुल उसी बेबाकी के साथ, उसी जो है खुददारी के साथ जो है लोगों की बात करते रहेंगे, लोगों की बात करते रहेंगे। अच्छा, आप बार बार लोगों की बात करते हैं कि लोगों की बात करते रहेंगे, अब लोगों के भी काफ़ी कुछ सवाल
बात है, आपने कहा जो लोग जेलों में हैं उनको बाहर निकालने का काम इंजीनियर रशीद करेंगे, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। नौजवान जेलों में हैं, हालांकि ऐसा पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं कि वो भी लोगों को, नौजवानों को जेलों से बाहर निकालेंगे। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है कि जेलों में नौजवान जो पिछले 3 साल 4 सालों से है उनको बाहर निकालना है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है वो इन नौजवानों को जेलों से निकालने की निकालने में मदद करेंगे। आप तक अपडेट पहुंचाना चाहेंगे, अभी तक जो है लाइव आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अभी तक 50,000 मार्जिन था इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला के बीच में, लेकिन अब जो मार्जिन है वो है 51,858। ये करंट अपडेट है। और अभी तक जो वोट्स इंजीनियर रशीद को पड़े हैं वो है 1,17,377 और उमर अब्दुल्ला के वोट जो है अभी तक 65,519 वोट्स है। इंजीनियर रशीद ने पिछला रिकॉर्ड जो उनका था, पिछला 2019 लोकसभा इलेक्शंस में उनको 1,02,000 के आसपास जो है वोट्स मिले थे, लेकिन आज उन्होंने वो क्रॉस किया है और 1,17,000 हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, वो सवाल मैं आपसे जवाब जी आपने, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर आप, आपको मैं सवाल पूछूं कि नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर कौन है, तो शायद आपके जहन में भी इंजीनियर रशीद आएंगे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर जो अभी जेल में। जब सजाद साहब ने, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जब किसी और साहब ने, जब 5 साल में इंजीनियर रशीद की बात नहीं की, जो कि उनके क्लीग थे, जो कि उनके असेंबली में एक जो है एक साथी थे, जब उनकी बात नहीं की, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कल को जो हमारे बेगुनाह नौजवान बाकी जेलों में बंद है वो उनकी बात करेंगे। लिहाजा अगर कोई नौजवान की बात कर सकता है, कोई नौजवान के दुख और दर्द को लोगों के सामने रख सकता है, लीडरशिप के सामने रख सकता है, तो वो सिर्फ इंजीनियर रशीद है, क्योंकि उन्होंने खुद 5 साल जेल में मुसीबत देखी है, खुद वहाँ पर जो है दुख दर्द सहे। और लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब उन लोगों को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि NCPC PDP या कोई और जमा। चलिए, लोगों ने आपको काफी ज्यादा प्यार दिया है, काफी ज्यादा सराहा आपको, आपके काम को, और बहुत ही जल्दी आपने बहुत कम टाइम में एक वेव क्रिएट की इंजीनियर रशीद की बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक एकेडमिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपका पर्सनल है, तो अब मैं यहाँ पर आपसे पूछ, क्योंकि आपने बार बार अपनी कैंपेनिंग में आपके एग्जाम का जिक्र किया कि आपका एग्जाम है, आपसे इंटरव्यू भी किया, आपने कहा आपके 20 मई के बाद आपके जो है एग्जाम्स है, कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स, क्या एग्जाम्स पे फोकस है कि अभी आपका फोकस जो है इंजीनियर रशीद की जीत हार को लेके है? जी देखिए, देखिए सियासत करना तो मेरा मतलब कोई बुनियादी मकसद नहीं है। अगर मेरा अभी पहला कोई प्रायोरिटी है वो तो वो एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम मेरे बिल्कुल 28 मई से स्टार्ट हो गए थे और मैंने 2 पेपर दिए और अभी मेरे 4 पेपर पेंडिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छे जा रहे, उतने अच्छे भी नहीं जा रहे क्योंकि मुझे टाइम के लिए टाइम नहीं मिला कि मैं प्रिपरेशन कर सकूँ, तो उस सिलसिले में मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया। और मैं यही समझता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं अगर मुझे इस बार जो इम्तिहानात में अगर मुझे मार्क्स कम भी आते हैं तो मुझे उस बात का कोई गिला नहीं होगा अगर मुझे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के लिए निकला था और शायद वो एक बड़ी लड़ाई थी मेरे एग्जाम्स के। चलिए, आप होपफुल रहे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप ही बार बार ये कहते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगी, अभी भी हम श्योर नहीं है कि इंजीनियर रशीद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी, अगर वो जीतते हैं तो क्या प्लान है आपका बारामूला में, किस तरीके से जोश खरोश से आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे, हालांकि वो खुद एब्सेंट रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो जीते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि मैं इस पे यकीन नहीं रखता हूँ कि वो जीते हारे, मैं मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, जो मुझे प्यार मिलना था, इज्जत मिलनी थी, वो बहुत ज़्यादा मिली और वो जीत से बढ़ के होगी इंशाल्लाह। अगर वो इलेक्शन अब जीत जाते हैं तो सबसे पहले मेरी लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो ख्याल रखे, मेनटेन करे, कोई जो पटाखे ना फोड़े, कोई किसी के साथ लड़ाई ना करे जो हमारी अपोजिशन पार्टी होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन इंजीनियर रशीद जीत जाते हैं तो वो सिर्फ इंजीनियर रशीद जो आवामी इत्तेहाद पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया वो सिर्फ उनका काम नहीं करेंगे, बल्कि जो अपोजिशन पार्टी है उनके लिए भी हमारे घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और हम इंशाल्लाह उनका काम भी करेंगे। और रही बात फिर रशीद साहब की, उनकी कमी महसूस होगी, इलेक्शन कंपेन के दौरान भी उनकी कमी महसूस हुई और इंशाल्लाह अगर वो जीत जाते हैं तो तब भी बिल्कुल उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इंजीनियर रशीद साहब के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें और उनकी रिहाई के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद हमारे साथ मौजूद थे, आपने जो है बड़े ही जो है पूरे तरीके से हमें समझा दिया कि किस तरीके से आपका जो है मानना है कि इंजीनियर रशीद अगर जीतेंगे हारेंगे ऊपर वाले के हाथ में, और वो लोगों के हाथ में था क्योंकि लोगों ने वोट किया है, लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप अभी श्रीनगर में हैं, बारामूला जाने का आपका कोई प्लान है?
ये देखिए अभी तो मैं यही रुका हूँ कुछ देर के लिए, इंशाल्लाह अगर रिजल्ट हक में आता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, अगर ना भी आता है तो फिर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि जो लोग हमें वोट डालेंगे, जितने भी वोट आते हैं, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता, क्योंकि जब हम सियासी तौर यतीम थे तो हर किसी ने हमें जो है सपोर्ट किया, हर एक वोटर का, हर एक माँ का, हर एक बहन का, हर एक भाई का, हर एक बुज़ुर्ग का, हर एक नौजवान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, उनने एक आज साथ दिया, हक का साथ दिया, फिर हार जीत हो ना हो, लेकिन वो अपने घरों से निकले, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने वोट डाला और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बार बार आप कह रहे हैं आप लोगों के शुक्रगुजार है, और कुछ कहना चाहेंगे? चाहे आप इंजीनियर रशीद जो है जीते या हारे, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपसे ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, क्योंकि अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अब आपने मीडिया से भी काफी मुखातिब हुए, आप इन दिनों कैंपेनिंग भी की, अब लग रहा है कि एक पॉलिटिकल ट्रैक पे आए हैं, आगे असेंबली इलेक्शंस में कोई पार्टिसिपेशन तो नहीं होगा आपका? जी नहीं, अभी वो दूर की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रशीद साहब तब तक आ जाएंगे जेल से बाहर और वो खुद कंटेस्ट करेंगे, मतलब जो उनकी पार्टी होगी, मतलब वो मेंबर्स चूज़ करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। फिलहाल मैं बहसियत एक औलाद आया था, बहसियत फर्जंद आया था अपना फ़र्ज निभाने के लिए। और हाँ, जब तक रशीद साहब जो है वो जेल में, तब तक शायद लोग मुझसे ही मिलने आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद है मुझसे, वो चाहते हैं मिलना। मैं अगर मैं ना चाहते हुए भी इस सियासत से शायद अब दूर नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि लोग कॉल करते हैं, हमारे घर आते हैं, वो मिलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि रशीद साहब आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक मैं लोगों का खादिम हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। चाहे हम इलेक्शन जीते ना जीते, हमारे दिल के, हमारे घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, चाहे हमारे पार्टी के हो, चाहे किसी और पार्टी के हो, चाहे किसी ने वोट डाला हो नहीं डाला हो, हमेशा हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे दिल के दरवाजे हो या फिर घर के दरवाजे हो, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, और इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे हो सके हम उनका काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जैसे है जिक्र किया है कि इनके घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे जो है हमेशा लोगों के लिए खुला रहेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोगों ने प्यार मोहब्बत दी थी, हालांकि एक्सपेक्टेड तो नहीं था इतना प्यार इन्हें मिलेगा, कैंपेनिंग में लोग वॉलंटियरली इनको सपोर्ट करेंगे, खुद लोग आए, खुद लोग जुड़े, लोगों ने खुद पानी बांटा, खाने पीने का सामान बांटा, इनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया, और हर चीज में लोगों ने इनकी मदद की, और इसलिए ये लोगों का शुक्रगुजार है। और ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का एहसान ये कैसे चुकाएंगे। इनका मानना है कि अभी जब इंजीनियर रशीद जो है जेल से वापस निकल के आते हैं और हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन ये लोगों के शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा अहमद।